आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की खीर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप साबूदाना और इसे मैं पानी में भिगो के 1 घंटे के लिए रख दूँगी। तो आप इतना पानी डालें कि अच्छे से पानी में डूब जाएं और हम इसे 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। मैंने कढ़ाई पर लिया है 2 चम्मच देसी घी और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को भूनूंगी। तो मैंने लिया है पिस्ता, बादाम और किशमिश। आप चाहें तो और भी अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लूँगी। मुझे बेसिकली इन ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज नहीं करना है, बस इतना इन्हें भूनना है जिससे कि इनका रॉ फ्लेवर जो है, कच्चापन जो है, वो निकल जाए और इसमें अच्छा सा अरोमा आने लगे। ये देखिए अब ये भुन गए हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी घी में से और इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी मखाना और इन्हें भी मैं भून लूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना भी आप मखाना डालना चाहते हैं उतने डाल के इन्हें भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि इनका भी जो एक कच्चापन है वो निकल जाए और ये अच्छे से घी में भुन जाए। इनको भी हम घी में से निकाल देंगे और अब इसी कढ़ाई में मैं डालूँगी 1.5 लीटर दूध। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है और इसे मैं पकाऊंगी जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। तो मैं फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। इससे क्या होता है, हमारा जो दूध है वो कढ़ाई में या पैन में चिपकता नहीं है और बाद में जब हम इसमें मखाने और साबूदाना जो डालेंगे वो भी इसमें चिपकेंगे नहीं। अब मैं इसमें इसके साथ ही डाल दूंगी मखाना ताकि जैसे जैसे दूध पकेगा तो हमारे मखाने भी पक जाएंगे। ये देखिए दूध में एक उबाल आ गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम कर देंगे लो और धीमी आंच पे हम इस दूध को पकाएंगे। तो इस दूध को बेसिकली हमें रिड्यूस करना है। मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, कम से कम ये 1 लीटर हो जाए इतना तब तक हमें इस दूध को पकाना है। और इसके साथ ही ये देखिए मैंने थोड़े से दूध में केसर भिगो के रखा था, वो भी मैं दूध में डाल दूंगी। इससे अच्छा एक कलर आता है, फ्लेवर भी आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और अब इस दूध को मैं पकाऊंगी। इस दूध को हमें, आप याद रखिएगा, बिल्कुल फुल आँच पर हम इसको नहीं पका के रिड्यूस करेंगे, धीमी आँच पर पकाएंगे। इससे क्या होता है कि दूध का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स जो मैंने शुरू में भून के रखे थे और थोड़े से मैं बचा लूंगी लास्ट के लिए। और इस दूध को मैं अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर में चला के पकाती जाऊंगी ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना और अच्छे से पके। दूध हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, इसमें मलाई आ रही है। साइड से मैं इसकी मलाई निकालती जाऊंगी और दूध को चलाती जाऊंगी। आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी साबूदाना, वो मैंने पानी से निकाल के छान लिए थे। तो 2 कप मैंने साबूदाना इसमें डाले हैं क्योंकि ये पानी में फूलने के बाद डबल हो जाते हैं क्वांटिटी में। अब इसको मैं दूध के साथ पकाऊंगी। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि जो दूध है हमारा, मखाने बिल्कुल अलग अलग हैं। अब हमें इस स्टेज तक इसको पकाना है जब ये दूध और मखाने आपस में बिल्कुल मिल जाएं। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप रॉ शुगर, देसी खांड जिसे कहते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं ये डाल के इसे अच्छे से पकाऊँगी। फ्लेम मैंने अभी भी लो ही रखा हुआ है और इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर में चलाती जा रही हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब हमारा जो साबूदाना है वो काफ़ी हद तक फूल गया है और दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया। आपको दिख रहा होगा कढ़ाई में साइड से, आपको दिख रहा होगा कितना गाढ़ा हमारा मिल्क हो गया है। ये देखिए अब ये साबूदाना काफ़ी हद तक दूध के साथ मिक्स हो गया है। थोड़ा सा इसे और मैं पकाऊँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच डेसिग्नेटेड कोकोनट का चूरा जो होता है जिसे कहते हैं। आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, सूखा नारियल।
और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी छोटी इलायची ली है, इसे भी मैंने कूट के इसको डाल दिया है। इसको आप बिल्कुल एंड में ही डालें इलायची को, इससे क्या है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हमारी साबूदाना की खीर बनके तैयार हुई है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अब मैं जैसे ही मैं कलछी से गिरा रही हूँ तो साबूदाना और मिल्क बिल्कुल साथ में गिर रहा है। यही हमारी खीर की पहचान होती है कि अच्छे से ये पक गई है, ये अलग अलग नहीं है, आपस में बिल्कुल मिल गए हैं। और बिल्कुल देखिए बिल्कुल गाढ़ी ये बन के साबूदाना की खीर है ये तैयार हुई है। ये देखिए, तो जब ये इतनी गाढ़ी हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। और मैं इसको सर्व कर रही हूँ, तो आप इसे गर्म भी खा सकते हैं, और अगर आप ठंडा खाना पसंद करते हैं तो पहले आप इसे रूम टेम्परेचर पे लाइए, और उसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रखिए, और उसके बाद ठंडी ठंडी आप अपने गेस्ट को सर्व करिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो जो भी मैं नई डालूँ वो आपको मिल जाए।